शायरी क्या है, एक दिया जलता था, उसको एक शायर ने देखा। उस शायर ने उस दिए को, उस लो को जलते हुए देखकर कहा है कि जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। इसी वसीम बरेलवी साहब के इस शेर के साथ में दूसरे सवा शेर को आवाज़ देता हूँ। और आपने उस एक मेरे एक शायर को आपने इतनी तवज्जो से सुना और उसका हौसला अफजाई किया। मैं दूसरे भाई संदीप सजर हमारे बीच, हमारी दिल्ली से आए हैं, दिल्ली दिल वालों की है, और देखते हैं आप दिल्ली का कैसा स्वागत सम्मान करते हैं। संदीप सजर, अपनी एक कोई चुनिंदा सी एक गज़ल हमें सुनाए, आप बाकी माल बाद में देख लेंगे अगर ठीक ठाक हुआ तो। मंच को फिलहाल एक 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 पीस दिखाइए, कट पीस कोई ढंग का सा। स्वागत। मुझे संतोष भाई ने इतनी बार बुला लिया है कि अगर मैं ये बोलूं कि कविता नंबर एक, तो आप लोग समझ जाएंगे और आप लोग ताली बजा देंगे। तो ऐसे भी काम चल सकता है, कविता भी सुनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जैसा कि कहा कि दिल्ली से उपस्थित हुआ हूं, तो दिल्ली के दिलवाले का मोहब्बतों को सलाम, मुंबई की मोहब्बतों को सलाम। वाह। और ऐसा इसलिए कहना पड़ता है कि पूरे देश ही नहीं, दुनिया में मोहब्बतों की सारी सप्लाई मुंबई से ही हो रही है। बेशक बेशक। हमारे अशोक जी बैठे हुए हैं, त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, ये सब यही काम करते हैं, सीरियल बनाते हैं। 8-8, 10-10 साल से सीरियल चल रहा है केवल प्यार मोहब्बत पर। और जितनी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं वो भी प्यार मोहब्बत के लिए। और इससे बड़ी बात यह कि अगर उनसे पूछ लो कि भाई 8-10 साल हो गए, अब तो शादी वादी करवा दो, प्यार मोहब्बत में कब तक चलेगा, तो बोले जिस दिन शादी करवा दी सीरियल भी ख़त्म और प्यार मोहब्बत भी ख़त्म। बेशक बेशक। बात शुरू करता हूँ, प्यार मोहब्बत का शायर हूँ। ये बात अलग है कि जिसको किसी एक डिश से प्यार होता है तो और चीज़ें भी थाली में होती हैं, तो सब तरीके की बात करता हूँ, लेकिन चार पंक्तियाँ आप लोगों को समर्पित करता हूँ। और फिर जैसा कि आदेश हुआ है, एक गीत पढ़ने का मन है, कोशिश करो। आप आए यहाँ रोशनी हो गई, आप आए यहाँ रोशनी हो गई, गुनगुनी सर्द सी दोस्ती हो गई। थी अमावस के अंधियार सी जिंदगी, छू लिया आपने चांदनी हो गई, छू लिया आपने चांदनी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तालियों से और दाद से नवाजा। और ये चार पंक्तियाँ मैंने आप लोगों को रिश्वत के स्वरूप कही थी कि आगे जो मैं कविता पढूं उसमें आपसे तालियाँ प्राप्त होती रहें। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, उससे पहले चार पंक्तियाँ और फिर एक गीत, सीधे सीधे जैसा आदेश है आदरणीय बलबीर सिंह जी का। स्वागत। तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, अच्छा तेरी नजरों का ख्वाब हो जाऊं, इस कदर लाजवाब हो जाऊं, तुझको रख लूं छुपा के दुनिया से, तेरे रुख का नकाब हो जाऊं। बहुत अच्छा।
वाह वाह। तेरे रुख का नकाब हो जाऊं। देखिए बजाइए तो चटर पटर नहीं, तबीयत से बजाइए। जैसा कि इतनी देर 5-7 मिनट हमारे संचालक महोदय ने तालियों की पूरी व्याख्या की, अगर आप वो भी भूल रहे हैं तो इसका मतलब बहुत डरे हुए हैं आप लोग। इतना मत, अच्छा जो लोग जोड़े से आए उनका तो बनता है, लेकिन जो अकेले आए वो भूल जाइए कि घर जा करके कुछ होने वाला है। और तभी अच्छा 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ फिर गीत पर आता हूँ। स्वागत। अपनी चाहत का ये असर देखा, अपनी चाहत का ये असर देखा, मैंने मंजिल को राह पर देखा, जल गए देख कर उधर कितने, एक नजर उसने जो इधर देखा। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक नजर उसने जो इधर देखा। एक गीत शुरू करता हूँ, आप संभालिए का गीत को। कौन आया इधर मेरे दिल के नगर, कौन आया इधर मेरे दिल के नगर, सारा वातावरण ही महकने लगा। अच्छा, कौन आया इधर मेरे दिल के नगर, सारा वातावरण ही महकने लगा, मेरे चारों तरफ है नशा प्यार का, मेरे चारों तरफ है नशा प्यार का, लो संभालो मुझे दिल बहकने लगा। अच्छा भाई, अच्छा। आप जो दिल तो देखो कभी भी बुढ़ापे का कोई शिकार होता नहीं है, तो सभी जवान लोग बैठे हैं और दिल की बात है तो सबकी दाद भरपूर मिलनी चाहिए। पहली पहली बार की बात है और बंद प्रस्तुत करता हूं। देख कर रूप तेरा जली तितलियां, देख कर रूप तेरा जली तितलियां, कितने भौरों के दिल पर गिरी बिजलियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख कर रूप तेरा जली तितलियां, कितने भौरों के दिल पर गिरी बिजलियां, खुशबुओं से लिपट कर जो आई हवा, खुशबुओं से लिपट कर जो आई हवा, मन चले मन की खुलने लगी खिड़कियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये बात अलग है कि आप लोग उंगलियों से कंप्यूटर की खिड़कियां खोलने वाले लोग हैं, लेकिन मन की खिड़की का आनंद अलग है। कि जब निहारा देख कर रूप तेरा जली तितलियां, कितने भौरों के दिल पर गिरी बिजलियां, खुशबुओं से लिपट कर जो आई हवा, मन चले मन की खुलने लगी खिड़कियां, तो जुल्फ लहराई और फिर घटा छा गई, जुल्फ लहराई और फिर घटा छा गई, प्रेम का मेघ रिमझिम बरसने लगा, मेरे चारों तरफ है नशा प्यार का, लो संभालो मुझे दिल बहकने लगा। बहुत अच्छे से सुना आपने, दूसरा बंद प्रस्तुत करता हूँ। प्यार मोहब्बत सभी का किस्सा है, तो शायरों को भी ये
हक है, और शायरों को तो खास कर हक है क्योंकि रोजी रोटी भी इसी से चल रही है। एक बंद शायरों के हवाले से, शायरी के हवाले से पढ़ता हूँ। जब निहारा तुम्हें मैंने ऐ प्रियतमे, मन के भावों की एक डायरी सी लगी, गीत कविता गजल तुमको क्या क्या कहूँ, गीत कविता गजल तुमको क्या क्या कहूँ, हूबहू मेरी ही शायरी सी लगी। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। लेकिन बहुत अच्छा सुनने का मतलब ये नहीं कि मैं एक गीत और पढ़ दूं, मैं इसी गीत पे अपनी बात समाप्त करूंगा। देख कर रूप तेरा जब निहारा तुझे मैंने ऐ प्रियतमे, मन के भावों की एक डायरी सी लगी, गीत कविता गजल तुमको क्या क्या कहूँ, हूबहू मेरी ही शायरी सी लगी। तो प्रेम की पुस्तिका बन गई तुम मेरी, प्रेम की पुस्तिका बन गई तुम मेरी, जिसका प्रत्येक अक्षर मैं पढ़ने लगा, मेरे चारों तरफ प्यार का है नशा, लो संभालो मुझे दिल बहकने लगा। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। तुम चलो तो शजर साथ चलता रहे, जो मुड़ो रास्ता भी बदलता रहे। तुम चलो तो शजर साथ चलता रहे, जो मुड़ो रास्ता भी बदलता रहे। एक प्रतीक और बिंबों के खेल होते हैं गीत में, और ये बहुत बड़े गीतकार गजलकार बैठे हुए हैं, इनके समक्ष पढ़ते हुए बड़ी खुशी होती है। और एक बिंब बनाने की कोशिश की है सर, अगर आप तक बात पहुंचे तो बताइएगा। कि तुम चलो तो शजर साथ चलता रहे, जो मुड़ो रास्ता भी बदलता रहे, और मन की इस कोख में, दृश्य देखिए महिलाएं भी बैठी हुई, कि मन की इस कोख में भाव संसर्ग से प्रेम का बीज हरदम ही पलता रहे। भाई वाह, कि मन की इस कोख में भाव संसर्ग से प्रेम का बीज हरदम ही पलता रहे। तो मन की वीरानियां सभी छटने लगी, मन की वीरानियां सभी छटने लगी, ख्वाब सोया हुआ फिर मचलने लगा, मेरे चारों तरफ प्यार का है नशा, लो संभालो मुझे दिल बहकने लगा, कौन आया इधर मेरे दिल के नगर, सारा वातावरण यूं महकने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की पाबंदी का ध्यान रखते हुए बहुत बहुत आभार, आपने बहुत मन से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।